हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे छत में लगने वाला बिजली का सामान कौन कौन सा सामान लगता है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। सबसे पहले हमको लगता है पाइप, जो छत में डालने के लिए पाइप होता है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई 25 mm है, 25 mm यानी 1 इंची यह पाइप है। मल्होत्रा कंपनी का पाइप है, बहुत हेवी रहता है पाइप। इस पर कितना ही प्रेशर देने पर ये पाइप नहीं टूटता है। इस पर चढ़ जाइएगा तब पर भी ये पाइप नहीं टूट पाएगा। आप देख सकते हैं हम चढ़ कर टेस्ट किए हैं। इसका मोटाई का बात करें तो 2 mm मोटा रहता है। आप देख सकते हैं यह मोटाई है, 2 mm मोटाई है। यही पाइप छत में डाला जाता है। उसके बाद आप को ये फैन बॉक्स डाला जाता है पंखा के लिए। यह फैन बॉक्स पंखा के लिए हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे आपको फैन बॉक्स लग जाता है, उसके बाद बैंड लगता है। आप देख सकते हैं यही बैंड लगता है। बैंड लगाने के बाद टेप का भी आवश्यकता पड़ता है, पीवीसी टेप का। उसके बाद हम लाइट के लिए हम कैंसी लाइट इस्तेमाल करते हैं और डीबी वाला भी लाइट इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल हम इस लाइट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आजकल यही लाइट चला है, कैंसी लाइट चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और टेप की आवश्यकता आपको पड़ेगा, जो पीवीसी टेप आता है। तो यही सामान हमारा लगता है बिजली का टोटल सामान। गांव में वायरिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है, बाकी यही सामान लगता है। आपको पाइप लग जाएगा, कंसी लग जाएगा, फैन बॉक्स लग जाएगा और बैंड लगेगा और पीवीसी टेप लगता है। यही सामान हमको लगता है। कभी भी पाइप अच्छा कंपनी का लगाइए क्योंकि ढलाई होने के बाद कोई चांस ही नहीं है पाइप चेंज करने का।